केंद्र सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल में देश के आमजन तक अपनी पहुंच बनाकर समाज के हर तबके को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने का काम किया है। सरकार की 2 साल की उपलब्धियों पर केंद्रित विकास रूपी गौरव गाथा को हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया। प्रदर्शनी में खास तौर पर मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं का जिक्र किया गया, जिन्हें देखकर रोजगार की आस में बैठे युवा भी खासा उत्साहित दिखे। स्किल योजना, स्टार्टअप योजना के साथ उन्होंने यूथ के लिए बहुत काम किया है और एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी है। और आप तो देख ही रहे हैं, इतने सालों में उन्होंने बाहर विदेश जाके भी बहुत नाम कमाया है और उसके ज़रिए लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट और बहुत आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन मिला है। जानकारों का मानना है कि केंद्र सरकार के एजेंडे में शहरों के साथ साथ ग्रामीण भारत का संस्थागत विकास भी प्राथमिकता में रहा है, जिससे आज गांवों में खेती और किसानी को बढ़ावा देने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, बालिका शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता जैसी योजनाएं सरकार की प्राथमिकता में रही हैं। कई नई योजनाएं आई हैं जो देश के यूथ को अट्रैक्ट करती हैं, डिजिटल इंडिया हो, चाहे आप जो है ना वो युवाओं के लिए कई प्रकार की योजनाएं सामने आई हैं और युवाओं को निश्चित रूप से इस देश में फायदा मिलेगा। उसके अलावा सड़कों के विकास की योजनाएं हैं, नदियों को जोड़ने की योजनाएं हैं, ऐसी अनेक योजनाएं हैं। विशेषज्ञों के अनुसार देश में विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को PPP मॉडल अपनाकर निजी संस्थानों को भी साथ लेना चाहिए, ताकि राष्ट्र विकास को त्वरित गति से हासिल कर सके। आज सरकार अकेले अपने दम पर कोई काम नहीं कर सकती, इसलिए जो PPP मॉडल सामने आ रहे हैं, जन सहभागिता जहाँ जरूरत है जिन योजनाओं में, उसमें निश्चित रूप से लोगों को आगे बढ़कर जो है ना सरकार को मदद करनी चाहिए और सरकार के कामों में सहभागिता करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली ने देश के युवाओं को खासा आकर्षित किया है। ऐसे में बेहतर भविष्य की आस में आसमान की बुलंदियों को छूने की तमन्ना वाले युवाओं को अपने सपनों की उड़ान को उत्कर्ष तक ले जाने के लिए प्रधानमंत्री से काफी उम्मीदें हैं। आगे और हम उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो देखा जाएगा आगे कैसा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता ने आज सबका साथ और सबका विकास की तर्ज पर देश के गांव, गरीब और किसानों को न केवल सामाजिक सुरक्षा देने का काम किया है, बल्कि आर्थिक विकास कर देश की GDP को बढ़ाने का भी काम किया है। सबका साथ और सबका विकास की तर्ज पर काम करते हुए केंद्र सरकार ने बीते 2 सालों में देश के गाँव, गरीब और किसानों का न केवल ध्यान रखा है, बल्कि जमीनी स्तर पर नई नई योजनाएं शुरू कर उन्हें प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करने का काम भी शुरू कर दिया। कैमरामैन गोपाल दास के साथ OP यादव, DD News, दिल्ली।